अगर आपको हर 2 दिन पर कुछ चटपटा और टेस्टी खाने का मन करता रहता है और आप सोचते हैं कि फटाफट से और आसानी से बन भी जाए, तो इस टिक्की चाट की रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से बनी हुई टिक्की आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आलू। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं जिसका छिलका मैंने निकाल लिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में इस टिक्की को बनाना हो आप उतने आलू ले लीजिए और इसी तरीके से इसको छील कर तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कट करेंगे। तो इसको इस तरीके से स्लाइस के रूप में काटना है। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना है, पतला नहीं काटना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आलू को इस तरीके से स्लाइस के जैसा काट लिया है। इस तरीके से मोटा मोटा ही काटना है, पतला बिल्कुल भी मत काटिएगा, नहीं तो जो टिक्की बनेगी ना वो एकदम पापड़ी जैसी बन जाएगी। और इधर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 1.5 छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक इतना डालना है कि आलू के अंदर तक नमक अच्छे से चला जाए, यानी कि आलू में नमक का टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि हम इसमें बाद में नमक ऐड नहीं करेंगे। तो सारे आलू को हम इस पानी में डाल देंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे। इसे इतना ही पकाना है कि मतलब ये 80% तक पक जाए। इसे आप कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में क्या होता है ना कि बहुत जल्दी आलू मैसी सा हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको कढ़ाई में बॉईल कर रही हूँ। तो चलिए आलू बॉईल हुए हैं कि नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एक चाकू की मदद से हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से इसके अंदर लगा कर देखेंगे। ये देखिए मतलब अंदर चाकू अच्छे से जा रहा है, इसका मतलब है कि आलू अच्छे से बॉईल हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बस इतना ही हमें आलुओं को बॉईल करना है। तो सारे आलुओं को हम निकाल लेंगे इसमें से। अब इस टिक्की को बनाने के लिए आपको आलूओं को मैश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से टिक्की बनाना बताऊंगी और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी भी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इस तरीके से टिक्की बनाकर ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि हर बार आप इसे बनाना चाहेंगे। तो अभी हम इसमें 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, या फिर आप इसकी जगह पर अरारोट भी ले सकते हैं। अब हमें इन आलुओं के ऊपर कॉर्न स्टार्च की अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से सभी आलुओं के ऊपर अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जब ये आलू गर्म रहे ना तभी आप ये काम कर लीजिएगा, तो बहुत जल्दी ये आसानी से इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। तो ये देखिए मैंने सारे आलुओं के ऊपर अच्छे से कॉर्न स्टार्च की कोटिंग कर ली है। अब चलते हैं हम इसको फ्राई करने के लिए। तो इसे फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। तो दोनों तरफ से अच्छे से हम पलटते हुए इसको फ्राई कर लेंगे और इसको इतना ही फ्राई करना है कि मतलब इस पर कलर नहीं आना चाहिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये जो आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और आप देख ही सकते हैं कि इस पर बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। तो बस इसी तरीके से हमें आलूओं को हाई फ्लेम पर फ्राई करके निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉर्न स्टार्च आलूओं के ऊपर लगा हुआ था वो तेल में भी चला गया है। तो घबराइएगा मत फ्रेंड्स, इससे आपका तेल खराब बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इससे ना तेल बिल्कुल साफ हो जाता है। इस तरीके से ये थोड़ी देर के बाद नीचे तली में बैठ जाएगा और ऊपर ऊपर से आपको बिल्कुल क्लीन तेल मिल जाएगा। तो इसको आप ऊपर ऊपर से तेल को निकाल लीजिएगा, तेल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो अब हमें आलू को फ्राई होने के बाद क्या करना है कि एक एक आलू को लेना है और एक कटोरी की हेल्प से इस तरीके से इसको हल्का सा प्रेस करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सारे आलुओं को चपटा कर लेना है। तो यहाँ पर सारे आलू के जो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल टिक्की के शेप में आ गए हैं। तो अभी हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक तवा रखा है जिस पर कि मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इस तेल को क्या करेंगे ना कि चारों तरफ तवे के ऊपर इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि तेल चारों तरफ से लग जाए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए हम क्या करेंगे कि सारे टिक्की को इस तवे पर रख लेंगे और इस पर एक अच्छा सा कलर आने तक और इसको क्रिस्पी होने तक हम इस तवे पर ही पका लेंगे। जिस तरीके से बाजार में टिक्की मिलता है ना, सेम उसी तरीके से हमें इस टिक्की को बनाकर तैयार कर लेना है।
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस टिक्की को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये लीजिए, टिक्की बन करके तैयार हो गई है, इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो 4 से 5 टिक्की को हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और आप देख ही सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से मैंने सारे टिक्की को तोड़ लिया है। अब इसके ऊपर जाएगा बहुत सारा दही, तो दही में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा और उसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। और उसके बाद इस पर जाएगा खट्टी मीठी इमली की चटनी, और उसके बाद इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और बारीक बारीक कटे हुए टमाटर भी इस पर डाल लेंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इस पर डालेंगे। और अब जाएगा इसके ऊपर ये टिक्की चाट का मसाला। ये मसाला इस टिक्की चाट को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। तो अगर आपको इस टिक्की चाट वाले मसाले की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने दही भल्ले वाली रेसिपी में इस मसाले को बनाना बताया है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़े से नमकीन भुजिया भी डाल देंगे। और ये लीजिए, ये हमारा बहुत ही टेस्टी चटपटा सा टिक्की चाट बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना कि आप इसे बार बार बनाओगे। बाजार वाले टिक्की चाट से तो ये कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीके से टिक्की चाट कभी ट्राई किया है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।